एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं ट्रैवल करने वाली हूँ कोलकाता टू पटना फ्रॉम वंदे भारत। तो मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि कैसा क्या रहा, क्या प्राइस पड़ा हमें, कैसा सीटिंग एक्सपीरियंस रहा और कैसा सर्विस है, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी आपको। वैसे हम लोग जब आ रहे थे ना पटना से कोलकाता, तो भी मैं वंदे भारत में आने वाली थी, बट टिकट अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग राजधानी से आए थे। तो उससे भी मैं आपको कंपैरिजन करके बता दूंगी कि कौन सा बेस्ट है, वंदे भारत या राजधानी। सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सीट आपको इधर मिल जाएगा और हम लोग जो लिए हैं वो इस टाइप का दो दो करके सीट है, और ये वाला ऐसे है कि आप यहाँ पे खाना रख के खा सकते हैं, और नीचे जो भी आइटम वगैरह रखना है, बॉटल कुछ खाने पीने का चीज़, तो वो रख दीजिए। ऐसे फूड रेस्ट भी है। ये जस्ट नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, हमें पता नहीं था, अभी हम लोग पूछे तब पता चला कि जस्ट नीचे मिलेगा, आराम से आप चार्ज करते हुए जा सकते हो। ये देखिए, ये टच स्क्रीन लाइट है। सीट तो काफ़ी कंफर्टेबल है और हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है इस ट्रेन में, काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है। ट्रेन खुलने वाली है और सागर को थोड़ा बस जैसा फीलिंग आ रहा है। ठंड लगने लगा है इसलिए हम लोग स्वेटर पहन लिए, हम भी अपना जैकेट, सागर तो फुल पैक हो गया है। तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे आपको टैप मिल जाएगा, इधर वो सब रखा हुआ है, सैनिटाइज़र, यहाँ पे आपका हाथ भी ड्रायर है ये, और इससे डिस्पेंसर है, सोप डिस्पेंसर, और ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है बट मैं फिर भी दिखा रही हूँ, काफ़ी साफ़ है, वहाँ फ्लश बटन है और ये मिरर। एक सैनिटाइज़र मिला है और यहाँ पे कुछ सी सॉल्ट करके आई थिंक मखाने हैं, और ये एक है पॉपकॉर्न है, ये फ्रूटी है और ये टी किट है, तो शायद इसमें गर्म पानी मिलता है, और एक कचौड़ी है, कचौड़ी यहाँ सागर खा रहा है, ये वाला कचौड़ी है, मखाना है ना। कैसा लगा? कैरेमल पॉपकॉर्न ऐसा है, तो ऐसे गर्म पानी मिलता है, आपको टी किट मिला है, इससे आप अपना चाय बना के पी लो, इसमें वही दूध है, चीनी है और ये चाय पत्ती, अच्छा चाय पत्ती चीनी और ये मिलाने वाला। सागर यहाँ अपना चाय बना रहा है। ट्रेन में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, सागर को देखिए सो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, देखिए सागर, ऐ सागर नहीं उठेगा, छोड़ देते हैं, मुझे तो बहुत बोर हो रहा है यार। सागर का ये न्यू स्टाइल है सोने का। लुक देखिए आप लोग, ट्रेन में सबको इसको देख रहा है, नेवला लग रहे हो, नेवला, ए नेवला, हम लोग बोर्ड हो गए, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग का डिनर आ गया है और सागर का है नॉन वेज डिनर, इसमें चिकन है और ये दाल है, और ये क्या है सागर, चावल है, ये पराठे हैं, ये दही एक मिला है, और क्या है, ये गोभी का भुजिया भी मिला है, ये पूरा नॉन वेज मील है। नहीं, ये चिकन कौन सा पीस है पता नहीं, बट ठीक है, इज द टेस्ट सागर, अच्छा है। ये मेरा वेज डिनर है, इसमें भी एक दही इंक्लूडेड है, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये गोभी का सब्जी है वेज में, सॉरी वेज, और ये क्या चीज़ की सब्जी है, ये आपको हाँ पनीर मिलेगा एक, और सेम है फिर चावल होगा, दाल होगा, इसमें दाल है और चावल, इसमें हाँ इसमें चावल है नॉर्मल, और दही है, और रोटी, रोटी है, पराठे हैं एक्चुअली पराठे। खाना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सागर का भी जो नॉनवेज मील है तो उसको चिकन अच्छा लगा, तो ओवरऑल खाना अच्छा है वंदे भारत का। मेरा तो इतना में ही पेट भर गया पराठे और भुजिया खा करके,
अभी ये कैसे खाऊं पता नहीं, मतलब क्वांटिटी भी अच्छा मिलेगा आपको, एक आदमी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, क्वांटिटी ठीक है। Meanwhile, अच्छा ये बहुत प्यारा है, इसे देख करके मेरा टाइम गया है, बीता है। चिप्स लेके बड़ा क्यूट बच्चा है ये। बस थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं, और इसका आपको इस ट्रेन का जो प्राइस हमें पड़ा है वो आपको नहीं बताए थे, प्राइस हमें 1500 रुपीज़ लगे हैं पर पर्सन। अगर आप थोड़ा एडवांस बुकिंग कर लोगे ना तो अच्छा होगा, क्योंकि लास्ट टाइम में ना टिकट निकल जाते हैं और प्राइस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही राजधानी में भी हमारे साथ हुआ था, हमने मतलब एक दिन पहले बुक करा था तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा पड़ा था, तो उस हिसाब से आप देख लेना एडवांस में बुकिंग करना। और इस ट्रेन का सर्विस वगैरह हर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट लेकिन एक होता है ना कि अगर आप सो के जाना चाहते हो तो राजधानी इज़ बेस्ट, क्योंकि इसमें एकदम कमर वमर दर्द होने लगता है। हाइजीन के मामले में इज़ बेस्ट, खाने पीने सर्विस हर कुछ अच्छा था इस ट्रेन का, एंड आई वुड रेट इट 10 out of 10। My next video, till then stay tuned, bye.